मोटू पतलू और जादूगर। एक बार नगर में एक जादूगर खेल दिखा रहा था। मोटू भी उस जादूगर का खेल देख रहा था। वह जादूगर बहुत ही माना हुआ जादूगर था। उसके खेल देखकर सभी लोग दंग रह जाते। जादूगर अपने खेल से किसी को भी गायब कर सकता था, फिर उस चीज को वापस भी ले आता। मोटू ने भी सोचा कि मैं भी जादू करना सीख लेता हूँ, सबको अपना जादू दिखाऊंगा। वह जादूगर के पास गया और बोला, मुझे भी जादू सीखना है। जादूगर ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, इसे सीखने में बहुत मेहनत लग जाती है। जादूगर ने कहा कि अगर तुम्हें जादू सीखना हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, कई दिनों तक जादू सीखना होगा, तभी तुम्हें जादू सीख पाओगे। अगले दिन मोटू ने पतलू से कहा कि मैं जादू सीखने के लिए जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौट आऊँगा। पर पतलू ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मोटू और पतलू की बातें जॉन सुन रहा था, और जॉन मोटू पतलू को कभी पसंद नहीं करता था। जॉन ने सोचा कि मुझे मोटू को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। तभी जॉन अपना वेश बदलकर मोटू के सामने आया और बोला, तुम्हें 2 दिन में ही जादू सिखा दूंगा। मोटू ने सोचा कि ये तो मुझे बहुत जल्दी सिखा देगा। जॉन ने मोटू को पहाड़ी पर जूडो सिखाने के लिए बुलाया। पतलू सोच रहा था कि 2 दिन में कोई भी काम नहीं सीखा जा सकता है, दाल में कुछ काला है। पतलू ने सोचा कि मोटू का पीछा करना पड़ेगा, तभी सच का पता चलेगा। अगली सुबह मोटू पहाड़ी पर जादू सीखने के लिए चला गया। पतलू भी साथ में था। पतलू छिप कर सब कुछ देख रहा था। जॉन मोटू से पानी की बाल्टी भरवा कर पहाड़ी पर उगे हुए पेड़ में डलवा रहा था। मोटू जादू सीखने के चक्कर में सब कुछ कर रहा था। पतलू यही सोच रहा था कि जादू कैसे सीखा जा सकता है। फिर कुछ देर बाद जॉन ने कहा कि तुम ऐसे ही काम करते रहो, कुछ देर बाद आता हूँ। पतलू भी जॉन के पीछे गया तो देखा कि जॉन अपने दोस्तों से बातें कर रहा था कि अब मोटू को सबक आ जाएगा, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर पतलू को समझ आ गया कि वह मोटू के पास गया और सब कुछ बता दिया। मोटू भी अब समझ चुका था कि वह जॉन है। जब जॉन आया तो मोटू ने कहा कि तुम कुछ जादू तो करके दिखाओ, तभी मैं आगे सीखूंगा। जॉन ने कहा कि कल जादू दिखाऊंगा। मोटू ने कहा, जादू तो मैं दिखा सकता हूँ और मुझे जादू आ भी गया है। मैं तुम्हें जोर से एक मुक्का दूंगा और तुम हवा में उड़ने लगोगे। अब जॉन समझ में आ गया कि मोटू को पता चल गया। वह भागने को हुआ ही था कि मोटू ने पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। जॉन वहाँ से भाग गया। कहानी से सीख, हमें कभी भी बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जबकि पूरा सच हमें पता चल जाए तभी उस पर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। और मेरी नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहें।